राष्ट्रीय राजपूत अग्रणी सेना प्रमुख सुखदेव श्री गोगा मेडी की हत्या पर बीजेपी नेता बाल मुकुंद आचार्य का बयान सुने। मैं स्वयं गवाह हूं और सुखदेव गोगा मेडी जी सर्व समाज के लिए उपस्थित रहते थे, गो सेवा के लिए उपस्थित रहते थे और वो गो सेवा करते हुए सर्व समाज की सेवा करते हुए सबके चहेते थे और मैं खुद उनके साथ था। उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, उन्होंने कहा था कि मेरे को इस प्रकार का कोई दुर्घटना का भय है और ऐसी ऐसी कुछ लोगों की योजनाएं हैं मेरी सेवा को लेकर, कुछ लोग मेरे पर किसी प्रकार का कोई कांड मेरे साथ कर दें ऐसा मुझे लगता है। हमने सबने साथ उनके मांग की थी कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन गहलोत सरकार जिस प्रकार से कन्हैयालाल को जिहादियों ने मारा, कन्हैयालाल ने कहा कि मुझे खतरा है लेकिन सुनवाई नहीं हुई, तो ये स्थिति हमारे साथ हुई कि सर्व समाज की सेवा में उपस्थित समाज सेवी और एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और इतनी बड़ी सेना के प्रमुख जिनके साथ ये घटना घटी, उन्होंने पूर्व में बता दिया और जब पूर्व में बता दिया उसके बाद भी उनकी मदद नहीं की गई, यानी गहलोत सरकार राजनीति के चलते, अहंकार के चलते, ये गहलोत सरकार स्वयं इसकी जिम्मेदार है और पूरा जिम्मा गहलोत सरकार का है, क्योंकि आज तक गृहमंत्री मुख्यमंत्री वही है, उनकी उनकी देखरेख में सारा कांड हुआ है। जब वो एक साल से कहते आ रहे हैं और तीन साल चार साल पहले भी कहा था उन्होंने और उनको सुरक्षा दी नहीं गई, तो इसलिए हम लोग गहलोत सरकार स्वयं को दोषी मानते हैं, उनकी वजह से ये कांड हुआ है। इस प्रकार के माफिया यहाँ पनप रहे हैं और चारों ओर भय का माहौल है। मालवीय नगर में क्लब में घटना घटी, कुछ नहीं हुआ आज तक और रोज ही घटना यहाँ घटित हो रही है। यूपी की घटना है बाबा जी ने बंद कर दी, अब राजस्थान में घटनाओं का कारण स्वयं गहलोत है। हमारी तमाम माहिती थी, अपडेट रहने के लिए जुड़े रहो SI News साथ।